जय श्री राधे मित्रों, आज हम आपको आपकी दिनचर्या कैसे बीतने वाली है बताने जा रहे हैं। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर पहले से थोड़ा अपने बारे में पता हो कि आज ऐसा कुछ हो सकता है तो आप तैयार रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मेष से लेकर मीन तक का हाल। मेष राशि के जातकों के लिए कल का दिन बहुत अच्छा रहेगा। ग्रहों की अच्छी दशा के कारण आपको ऑफिस में बहुत अधिक उपलब्धि मिल सकती है। बस आप अपनी नौकरी में कॉन्फिडेंस बनाकर रखें, कार्य करने में कॉन्फिडेंस अपना डाउन ना रखें। व्यापार करने वाले जातकों के लिए कल का दिन अच्छा रहेगा। वृषभ राशि के जातकों के लिए कल का दिन अच्छा रहेगा। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो नौकरी करने वाले जातक किसी बात को लेकर मन से हताश हो सकते हैं, परंतु आप उसे अपने कार्यस्थल पर दिखाने से बचाएं, अन्यथा आपके सहयोगी आपका मजाक बना सकते हैं। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो आप अपने व्यापार का विस्तार करने के लिए प्लानिंग शुरू कर सकते हैं, इससे आपका व्यापार अधिक उत्तम चलेगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए कल का दिन ठीक ठाक रहेगा। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो कल आपको काम की अधिकता होने पर सहकर्मियों की मदद करनी पड़ सकती है। आपके पास में कोई व्यक्ति मदद के लिए आए तो आप उस व्यक्ति को निराश ना करें, उसकी मदद करने का पूरा प्रयास करें। कर्क राशि के जातकों के लिए कल का दिन अच्छा रहेगा। यदि आप सेल्स डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं तो कल आपके काम बनते हुए नजर आ रहे हैं। बस आपको मेहनत बहुत अधिक करनी पड़ सकती है, तभी आपके कार्यों में आपको सफलता की प्राप्ति मिलेगी। सिंह राशि के जातकों के लिए कल का दिन अच्छा रहेगा। जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं वह खास तौर पर बहुत अधिक ध्यान दें। आप अपनी टाइमलाइन से पहले ही अपने कार्य को खत्म करने की कोशिश करें, अन्यथा आपकी नौकरी में किसी प्रकार की कोई रुकावट आ सकती है। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो कल के दिन व्यापारिक वर्ग को किन्हीं कारणों से किसी प्रकार का कोई घाटा हो सकता है। कन्या राशि के जातकों के लिए कल का दिन ठीक नहीं है। आपके जीवन में यदि कार्य आपके हिसाब से नहीं हो रहे हैं तो उसको लेकर आप परेशान ना हो, धैर्य बनाकर रखें। छोटी छोटी बातों पर पैनिक होने की जरूरत नहीं है, एक दिन सभी परेशानियां हल हो जाएंगी और आपका जीवन और अधिक शुद्ध रहेगा। तुला राशि के जातकों के लिए कल का दिन अच्छा रहेगा। कल को आपके कार्यों से उच्च अधिकारी बहुत अधिक प्रसन्न रहेंगे। नौकरी में आपको उन्नति मिल सकती है। आपके अधिकारी आपके कार्यों से प्रसन्न होकर आपको प्रमोशन दे सकते हैं। व्यापार करने वाले जातकों के बारे में बात करें तो व्यापारियों के लिए कल का दिन सामान्य रहेगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कल का दिन थोड़ा सा परेशानी वाला रहेगा। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो नौकरी वाले लोगों के कार्यों में नकारात्मक ग्रहों की स्थिति से रुकावटें आ सकती हैं। इसके कारण आपका मन बहुत अधिक परेशान हो सकता है और आपका काम में मन भी बहुत कम लगेगा। धनुराशि के जातकों के लिए कल का दिन अच्छा रहेगा। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो ऑफिस में आपको नियमों का कड़ा पालन करना होगा। आप अपने ऑफिस के नियमों का किसी भी प्रकार से कोई चूक ना करें, अन्यथा आपकी शिकायत आपके बॉस तक पहुंच सकती है और आपको उनसे डांट पड़ सकती है। मकर राशि के जातकों के लिए दिन अच्छा रहेगा। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो कल अपने ऑफिस में आप अपने बॉस के साथ में तालमेल बनाकर चलें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उनके साथ कम्युनिकेशन गैप से बचना चाहिए, तभी आपको आपकी नौकरी में उन्नति हो सकती है। व्यापार करने वाले जातकों के बारे में बात करें तो व्यापारियों को अपाई ना मानते हुए उसे भविष्य की कल्पना करने से बचना होगा। कुंभ राशि, शनि आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं और अब शनि मार्गी हो रहे हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए कल का दिन मिला जुला रहेगा। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो कल के दिन आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। आपके कुछ कार्य बनते बिगड़ सकते हैं, जिसको लेकर आप परेशान हो सकते हैं, परंतु आप परेशान ना हो, आपके लिए अच्छा समय आपके अनुकूल ही रहेगा। मीन राशि के जातकों के लिए कल का दिन अच्छा रहेगा। इस राशि के लोग ऑफिशियल डाटा पर कार्य करते वक्त थोड़ी सी सजगता रखें, आपकी जरा सी चूक कार्यालय पर भारी नुकसान करा सकती है, आपकी नौकरी पर भी आ जा सकती है। व्यापार करने वाले जातकों के लिए कल का दिन थोड़ा सा परेशानी वाला हो सकता है। Yeah.